Hello everyone, welcome back to this channel. Today I am going to share some activities that will helpful to improve focus and concentration of your child. So आज मैं आपके साथ ऐसे activities share करने वाली हूँ जो कि बच्चों की focus और concentration में helpful रहेंगे. बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है. वो ज्यादा टाइम के लिए किसी भी एक एक्टिविटी या वर्क पर फोकस नहीं कर पाते. हम उनको कोई भी वर्क या अगर एक्टिविटी हम करवाते हैं तो वो 5 मिनट से ज्यादा उस पर उतना अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते. तो उसके लिए हमें कुछ उनको एक्टिविटीज करवानी चाहिए. तो वही एक्टिविटीज आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. इससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल है जो वो भी इम्प्रूव होगी. सो दिस इज अवर फर्स्ट एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमें डिफरेंट कलर्स के लाइक जो बेसिक्स कलर हमारे होते हैं रेड येलो ब्लू ग्रीन उनके हमें सर्कल ड्रॉ करने हैं. तो फर्स्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों को रिकॉग्नाइज भी करवा सकते हैं लाइक दिस इज ब्लू रेड ग्रीन एंड येलो. उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों को हमें सेम कलर के क्रियोन्स या फिर हमें स्केच देने हैं और उनको बोलना है कि आपको फर्स्ट टाइम लाइक ब्लू से ब्लू सर्कल से शुरू करके ब्लू को ही ब्लू से हम कनेक्ट करना है लाइक दिस वन टाइम पे वन कलर को लाइक ब्लू. तो इससे क्या होगा बच्चा फोकस कर पाएगा और वो रिकॉग्नाइज भी करेगा कि एक ही टाइम पे मुझे लाइक ग्रीन को ही फाइंड आउट करना है लाइक ग्रीन. सो दिस इज ग्रीन 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 एंड ग्रीन. तो इससे बच्चों के फोकस और कंसंट्रेशन में काफी इम्प्रूवमेंट होगी. नाउ रेड येलो. तो इस तरह से हम बच्चों को ये एक्टिविटी करवा सकते हैं कंसंट्रेशन की डेवलपमेंट के लिए और इम्प्रूव. सो दिस इज अवर सेकेंड एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं और इस एक्टिविटी से बच्चों की कंसंट्रेशन और जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो इंक्रीज होगी. तो इन बॉक्सेस में मैंने 4 कलर यूज किए हुए हैं. तो इसमें बच्चों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि इन 3 बॉक्सेस में जो 1 कलर है वो कॉमन कौन सा है कि जो इस बॉक्स में भी है इसमें भी है और इसमें भी है. फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि बच्चा क्वेश्चन अंडरस्टैंड ना कर पाए वो टाइम ले और स्टार्टिंग में इसको बताने में भी बच्चा लाइक 2-3 मिनट्स ले सकता है. लाइक 3 साल का जो बच्चा है इसको थोड़ा ऑब्जर्व करने में तो टाइम लग सकता है उसको. बट हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा ऑब्जर्व करे. तो हम उनको लाइक ऐसे स्टार्टिंग करवा सकते हैं कि बेटा लाइक फर्स्ट कलर है सो दिस इज ब्लू कलर. तो आपको ये देखना है कि जो ब्लू कलर है वो इस बॉक्स में तो है क्या इस बॉक्स में भी है. नहीं इसमें तो ब्लू कलर नहीं है बट इसमें है. तो ब्लू कलर इन इसमें नहीं है तो ब्लू कलर तो कॉमन नहीं है कि जो 3 बॉक्सेज में है. उसके बाद लाइक रेड रेड इस बॉक्स में है इसमें भी है बट इसमें नहीं है तो रेड भी कॉमन नहीं है. सो दिस इज ग्रीन कलर. ग्रीन कलर इस बॉक्स में है इसमें भी है और इसमें भी है. तो जो कौन सा कलर है जो कॉमन है वो है ग्रीन कलर. तो इससे हम एक बार बच्चों को समझा सकते हैं और उसके बाद हम इनको लाइक थोड़ा अलग तरीके से भी उनको दे सकते हैं. लाइक जैसे यहाँ पर ये अल्फाबेट की है तो इस टाइप से हम उनको दे सकते हैं नंबर्स भी दे सकते हैं और इसका जो लेवल है वो बढ़ा भी सकते हैं एज के अकॉर्डिंग या फिर लाइक उनके. सो दिस इज अवर थर्ड एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में मैंने एक पैटर्न में कुछ कलर ड्रॉ किए हुए हैं और एक लाइक ग्रीन रेड येलो और ब्लू. तो हमें इन्हीं कलर से मैचिंग बच्चों को ब्लॉक्स देने हैं. ब्लॉक्स की जगह हम क्रेयॉन्स या फिर पेपर स्ट्रिप्स भी दे सकते हैं. तो इसमें बच्चे को लाइक ऑब्जर्व करना है कि सबसे फर्स्ट कलर कौन सा है ग्रीन. तो बच्चे उसी के सामने उस कलर को रखेंगे. सो दिस इज ग्रीन. उसके बाद रेड. तो ये एक बिल्डिंग बनती जाएगी लाइक एक टावर टाइप से. तो बच्चे फिर ऑब्जर्व करेंगे कि दिस इज येलो कलर. तो इन दोनों में से येलो कौन सा है उसके बाद येलो और फिर ब्लू. तो इससे बच्चे फोकस क्योंकि ये एक्टिविटी बिना फोकस के नहीं होगी. तो इससे बच्चा फोकस करेगा और ऑब्जर्व करेगा कि मुझे कौन सा जो कलर है वो फर्स्ट कौन सा पिक करना है. तो इससे बच्चों की लाइक फोकस और जो कंसंट्रेशन है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट होगी और वो ऑब्जर्व भी अच्छे से कर पाएगा. तो ये थी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि ब्रेन डेवलपमेंट और फोकस को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है. एट द सेम टाइम दे आर जस्ट लाइक फन एक्टिविटीज. तो बच्चे भी काफी खुश होकर ये एक्टिविटीज करते हैं. और लाइक ये जो एक्टिविटीज थी ये जस्ट
सम एग्जाम्पल्स हैं जिनसे कि बच्चों के फोकस और ब्रेन का जो डेवलपमेंट हो उसके लिए, तो उसके और भी काफी वेरिएशंस हैं, आप काफी अलग तरीके से भी इनको बना सकते हैं, तो एक बार आप प्लीज ट्राई कीजिएगा बच्चों के फोकस को बढ़ाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।